ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड की पूरी रिवीजन लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे, जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी क्या फंक्शन है, सब कुछ वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हो तो आपको एक बॉल सी दिखती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, आई बॉल कहते हैं। इस आई बॉल का डायामीटर कितना होता है, तो डायामीटर आप देखो ऐसे मापते हो, यानी कि आपके कॉर्निया से लेके जो एंड है रेटिना, जो आपकी सर्फेस है वहां तक जो आई बॉल का डायामीटर होता है, डेट इज 2.3 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सो ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, 2.3-2.5 के बीच में यही रेंज होती है डायमीटर ऑफ दी ह्यूमन आई बॉल। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉर्निया। सो कॉर्निया क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग है ऑन द फ्रंट ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के फ्रंट में एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, और ये क्या करती है, लाइट रेस को रिफ्रैक्ट करने का काम करती है, यानी कि जो लाइट रेस सीधी आ रही है उन्हें रिफ्रैक्ट करने का काम क्या करती है, ये करती है कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया हो गया। कॉर्निया के बाद बात करेंगे एक्वस ह्यूमर। सो एक्वस ह्यूमर क्या है, ये एक फ्लूइड है जो कि फिल्ड होता है बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस। सो ये जो आपको फ्लूइड दिख रहा है, दिस इज एक्वस ह्यूमर। अगला, अब प्यूपिल, तो सबसे पहले अब बात करते हैं सबसे पहले आयरिस। सो आयरिस क्या है, ये एक डायफ्राम, एक मसल है जो कि आयरिस के साइज को कंट्रोल करती है। अब आयरिस क्या है, तो देखो आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, जो हमारी आंख का कलर होता है, जैसे किसी की कलर होता है ब्राउन आईज होती है, किसी ग्रीन होती है, किसी की ब्लू आईज होती है, तो जो कलर्ड पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज आयरिस। और उसके बीच में जो ब्लैक कलर का आपको सर्कल दिखता है, डेट इज प्यूपिल। तो जो ब्लैक कलर का सर्कल होता है, दैट इज नोन एज प्यूपिल। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो थोड़ा सा रब कर देते हैं। देखो सबसे पहले आयरिस क्या है, जो कलर्ड पार्ट है किसी का ब्राउन ब्लैक जो भी कलर है, दैट इज द आयरिस। और फिर उसके बीच में एक स्मॉल ओपनिंग होती है आयरिस के बीच में सर्कल सी, दैट इज नोन एज प्यूपिल। तो और आयरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल में कितनी लाइट एंटर होगी वो कौन डिसाइड करता है, आयरिस। तो देखो जैसे कि मान लो आप एक डार्क रूम में हो, तो डार्क रूम में क्या है, ज्यादा लाइट की आपको जरूरत है, तो जो आयरिस है वो क्या कर देता है, प्यूपिल के साइज को एक्सपेंड कर देता है ताकि ज्यादा लाइट एंटर हो। और जब आप बहुत ब्राइट जगह होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा लाइट है, तो वो आयरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो ये आयरिस क्या है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। तो अब हो गया, अब बात करते हैं लेंस की। सो लेंस की बात करने से पहले हम बात करेंगे सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल क्या होती है, ये ऐसी मसल्स होती हैं जो कि लेंस के साइज को कंट्रोल करती है। लेंस के साइज को कंट्रोल करके ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट अगर दूर होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा हमें चाहिए होगी, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि ऑब्जेक्ट भाई यहीं पे होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा फोकस पे रखा होगा, ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा, ऐसा फिक्स तो नहीं है ना, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। हमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपने लेंस को एडजस्ट करना है, लेंस मोटा होगा, लेंस कभी पतला होगा, तो ये एडजस्ट करने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल्स करती है। और लेंस क्या है, लेंस हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। और ये लाइट रेस, जो लाइट रेस आ रही है, पहले तो जो कॉर्निया है उसने थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करा, फिर इनको और कन्वर्ज करने का काम करते हैं हमारा लेंस। ठीक है, और जब लाइट रेस मीट होती है उसी पॉइंट पे, कहां मीट होती है, आपके रेटिना पर। ठीक है, तो जो रेटिना है यहां पर जो लाइट रेस है वो मीट होती है और हमारी इमेज बनती है। ठीक है, तो ये आपका लेंस हो गया, और सिलियरी मसल लेंस के साइज को कंट्रोल करती है। अब क्या होता है वो थोड़ा और इन डिटेल हम पावर ऑफ एकोमोडेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला पार्ट है विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर क्या है, ये एक फ्लूइड है विच इज फिल्ड बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। तो ये जो पूरी आई बॉल है इसमें ये एक लिक्विड फिल्ड होता है, और ये विट्रस ह्यूमर क्या करता है, ये आई बॉल की शेप को मेंटेन करने का काम करता है। जो पूरा आप देख रहे हो ये पूरा लिक्विड फिल्ड होता है। अब नेक्स्ट आपका रेटिना। सो रेटिना क्या है, ये एक स्क्रीन है, एक फोटो रिसेप्टिव स्क्रीन है, जिसमें क्या होता है, जिसमें फोटो रिसेप्टिव सेल्स होते हैं, और ये लाइट रेस को लेते हैं और जो उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे कन्वर्ट कर देते हैं, और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं। क्योंकि देखो अगर ब्रेन को सिग्नल पहुंचाना है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होगा, और उसे कन्वर्ट करने का काम करते हैं जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं रेटिना में। ओके, और ये सेल्स कौन से होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। ओके, ये लाइट की इंटेंसिटी को भी डिटरमाइन करते हैं, कितनी लाइट की इंटेंसिटी है और उसका कलर क्या है, और फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो सारे पार्ट्स आपने देख लिया, वापस इन डिटेल को डिस्कस करेंगे आगे विद डेफिनेशंस। ठीक है, तो आगे बढ़े, तो अब बात करते हैं सबसे पहले कॉर्निया। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया एंड इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल, और ये क्या करती है, रिफ्रैक्शन करती है। ज्यादातर जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का वो कॉर्निया ही करती है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई ऑकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। नेक्स्ट है आपका स्क्लेरा।
इट इज द आउटर कवरिंग प्रोटेक्टेड टफ व्हाइट लेयर कॉल्ड द स्क्लेरा. तो व्हाइट व्हाइट कलर का जो आप पार्ट देख रहे हो दिस इज नोन एज स्क्लेरा. अगला पार्ट है आईबॉल. जो आईबॉल है जिसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर होता है, स्फेरिकल शेप में ये होता है. अगला एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर क्या है? कॉर्निया और लेंस के बीच का जो फ्लूइड होता है दैट इज द एक्वस ह्यूमर. आयरिस क्या? आयरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल. और प्यूपिल क्या है? ये आयरिस में एक स्मॉल ओपनिंग है. और प्यूपिल का साइज कितना होगा? प्यूपिल का साइज अगर ज्यादा होगा, ज्यादा कब होता है? जब डार्क रूम होता है, जब कम लाइट होती है तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है. जब लाइट ज्यादा होती है तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है. और ये साइज कौन कंट्रोल करता है? आयरिस ही करता है. सो प्यूपिल क्या है? स्मॉल ओपनिंग इन द मिडल ऑफ द आयरिस थ्रू विच द लाइट एंटर्स इन द आई. द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई. आगे बढ़ेंगे. अब नेक्स्ट है लेंस. लेंस क्या है? ये क्रिस्टलाइन लेंस, ये जेली इसके अंदर फील्ड होता है. दिस इज अ क्रिस्टलाइन लेंस, जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लेंस. इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि ये क्या करता है? लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है. By the action of ciliary muscle, it changes its shape to focus light on the retina. It becomes thinner to focus the distant object. यानी कि अगर object दूर रखा होगा तो focal length ज्यादा चाहिए. Focal length ज्यादा कब होगा? जब हमारा lens पतला होगा. तो क्या करता है? जो हमारी आप कह सकते हो जो हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती है और हमारा लेंस पतला हो जाता है. पतला हो जाता है तो उसके फोकल लेंथ बढ़ जाती है. और फोकल क्योंकि ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए, इसीलिए हमारा लेंस पतला हो जाता है. और जब ऑब्जेक्ट पास रखा होता है तो फोकल लेंथ कम चाहिए, तो इसलिए हमारा जो सिलियरी मसल्स हैं वो लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करती है और लेंस का जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है एंड फिर फोकल लेंथ कम हो जाती है और ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बनती है रेटिना पे. ठीक है. सो इट बिकम्स थिनर टू फोकस distant object and become thick, यानी कि मोटा हो जाता है to focus the nearby objects. Next है ciliary muscle. Ciliary muscle इस lens के size को control करती है कि lens कब thin होगा, कब वो मतलब thick होगा. ठीक है. तो ये control कौन करते हैं? Ciliary muscle. They are capable of modifying the curvature of the lens and the thereby affecting the focal length of the lens. Vitreous humor क्या है? Vitreous humor is a clear fluid which fills the eye between the lens and the retina. This fluid helps the eye hold its shape and when light being transmitted through it to the retina. तो आईबॉल की शेप को मेंटेन करने का काम करता है विट्रस ह्यूमर, जब लाइट एंटर हो रही होती है, पास हो रही होती है फ्रॉम द लेंस टू द रेटिना. अगला है रेटिना. इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज form and it is a delicate membrane having enormous number of light sensitive cells, rods and cones. It convert the image formed by the lens into electrical impulse, yani ki electrical signals mein convert karte hain and then the electrical impulses are then transmitted brain through the optic nerves. It contain rods and cones. ठीक है. तो optic nerves फिर उन electrical signals को retina से brain तक लेके जाती है. ठीक है. और ये photoreceptive cells क्या है जो electrical signals को बनाते हैं? These are the rods and the cones. नेक्स्ट ऑप्टिक नर्व हमने डिस्कस कर लिया. दीज आर दी नर्व विच टेक द इमेज टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल. अब आगे बढ़े. चलो अब डिस्कस करते हैं हाउ प्यूपिल वर्क्स. यानी कि जो आप ये ब्लैक ब्लैक कलर का पार्ट देख रहे हो दिस इज द प्यूपिल. और ये जो पार्ट है कलर्ड पार्ट, ब्लू कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है, तो ये क्या है? दिस इज द आयरिस. अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे. द आयरिस मेक्स द प्यूपिल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अराउंड द आई. यानी कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, लाइट ज्यादा है, लाइट कम है, उसके बेसिस पे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आयरिस करता है. ठीक है. अब देखो व्हेन द लाइट इज ब्राइट, जब बहुत ज्यादा लाइट होती है तो आयरिस क्या करता है? प्यूपिल को छोटा कर देता है ताकि एकदम से ज्यादा लाइट उसमें ना जाए प्यूपिल के थ्रू. ठीक है. क्योंकि उसे पोटेंशियल हार्म हो सकता है आइस को, इसीलिए जो हमारा आयरिस होता है वो प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है जब ब्राइट होती है लाइट. सो लेस लाइट एंटर्स द आई. अब नेक्स्ट केस है व्हेन द लाइट इज डिम, जब बहुत कम लाइट होती है. जैसे कि आप मतलब बाहर से सिनेमा हॉल में जाते हो, सिनेमा हॉल में क्या होती है? कम लाइट होती है, डार्क रूम होता है, तो इसीलिए वो क्या करता है? जो हमारा आयरिस है वो प्यूपिल के साइज को एक्सपेंड कर देता है, बड़ा कर देता है ताकि ज्यादा लाइट एंटर हो और हम अपने आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उन्हें देख पाए. ठीक है. सो दैट मोर लाइट एंटर्स द आई. नेक्स्ट इसका एग्जांपल आप देख लो, वही सिनेमा हॉल का. यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन यू कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल आफ्टर वॉचिंग अ मूवी इन द ब्राइट सनलाइट योर आईज गेट क्लोज. यानी कि जब आप सिनेमा हॉल से बाहर जाते हो एकदम से लाइट आती बहुत ज्यादा, तो वो हमारा जो आयरिस है वो क्या करता है? वो प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है क्योंकि एकदम से ज्यादा लाइट उसके एंटर ना हो. और जब आप मतलब बाहर से सिनेमा हॉल में जाते हो तो वो प्यूपिल का साइज इंक्रीज कर देता है, एक्सपेंड कर देता है हमारा आयरिस. ओके. तो ये यहाँ पे लिखा है. अब आगे बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना. और यहाँ पे एक और बात, जो फ्रेंड्स किसी भी टॉपिक को इन डिटेल समझना चाहते हैं विद मोर एक्सप्लेनेशन, तो वो हमारा फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे पिंड कमेंट में मिल जाएगा. ठीक है. आगे बढ़े. नेक्स्ट टॉपिक आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन. तो पावर ऑफ एकोमोडेशन भी हमने डिस्कस कर ही लिया,
जब हम आई का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा कि जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो लेंस के साइज को कंट्रोल करती हैं, यानी कि लेंस जब हमारा थिन होता है तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है। और फोकल लेंथ ही एडजस्ट क्यों होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पास भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट दूर भी हो सकता है, तो उस बेसिस पे फोकल लेंथ को एडजस्ट करना होता है। और ये फोकल एडजस्ट कौन करता है, सिलियरी मसल्स करती है। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि जो आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है उसी, ये जो पावर है लेंस की, इसी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन करते हैं कहते हैं। और ये करवाता कौन है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करवाता कौन है लेंस की, सिलियरी मसल्स करवाती हैं। तो अब देखो, जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होती हैं, क्या बोला मैंने, जब सिलियरी मसल रिलैक्स होती हैं तो जो आपका लेंस होता है वो पतला हो जाता है, और जब लेंस आपका पतला हो जाता है तो वो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और ये कब होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट दूर रखा हो, जब ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है तो हमें ज्यादा फोकल लेंथ चाहिए, और ज्यादा फोकल लेंथ कब होगी, जब हमारा आई लेंस पतला होगा, तो हमारी सिलियरी मसल्स क्या हो जाती है, वो रिलैक्स हो जाती है ताकि आई लेंस हमारा थिन हो जाए। अब नेक्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट पास रखा हो, तो ऑब्जेक्ट पास रखा होगा तो हमें कम फोकल लेंथ चाहिए। कम फोकल लेंथ कब होगी, जब हमारा आई लेंस क्या होगा, मोटा होगा, थिक होगा। सो जब हमारा सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी कि उसे आई लेंस को दबाती हैं, तो हमारा आई लेंस मोटा हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, ठीक है। आई लेंस बिकम थिक, डिक्रीजेस द फोकल लेंथ, क्यों, ताकि हम अपने पास वाले ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके। तो ये दो केस हैं, जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स कब होती हैं और सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कब होती है और क्यों होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, वापस आप पढ़ सकते हो उसको। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। सो फ्रेंड्स, रजत ने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या अलग अलग पार्ट्स होते हैं आई में, उनका क्या फंक्शन है, ठीक है, एंड पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में भी पूरा अच्छे से रजत ने आपको क्लियर कर दिया। आई होप आपको अभी तक के सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक सब कुछ समझ चुके हैं तो अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में, मतलब हमारी विजन से रिलेटेड क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं एंड इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इनकी करेक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो टोटल हम 4 डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड कैटरैक्ट एंड प्रेसबायोपिया। ये 4 डिफेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, उनकी करेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं मायोपिया से। मायोपिया को नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। मायोपिया में क्या होता है, एक पर्सन जिसको मायोपिया है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख पाता है लेकिन दूर रखे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता, इसलिए उसको नियर साइटेडनेस बोला जाता है, बिकॉज पास रखे ऑब्जेक्ट्स तो दिख रहे हैं लेकिन दूर रखे ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे, ठीक है। यहां पर लिखा है कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियर देन इन्फिनिटी। देखो, एक हेल्दी ह्यूमन आई का जो फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां तक हम दूर से दूर तक देख सकते हैं क्लियरली, तो फार पॉइंट एक हेल्दी ह्यूमन आई का इन्फिनिटी होता है, मतलब जहां तक विजन जा रही वहां तक हम क्लियरली दे सकते हैं। लेकिन और एक नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, मतलब हम कम से कम 25 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस तक जो भी ऑब्जेक्ट रखा उसको क्लियरली देख सकते हैं। तो ये हेल्दी ह्यूमन आई का फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट है। लेकिन मायोपिया में क्या होता है कि एक उस इंसान का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से पास आ जाता है, ठीक है। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियर देन इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक उसे दिखाई नहीं देता, इन्फिनिटी से कम डिस्टेंस पर दिखाई देता है, इसलिए दूर रखे ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते, पास रखे ऑब्जेक्ट्स ही क्लियरली दिखते हैं, बिकॉज फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम हो गया है, ठीक है। अब देखो, यहां पर आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हो, ये एक मायोपिक आई का फार पॉइंट है, ठीक है, पास में है आई के, वैसे तो इन्फिनिटी होना चाहिए लेकिन कम हो गया है, फार पॉइंट एक मायोपिक आई का, ठीक है, तब जाके उसको क्लियरली दिखाई दे रहा है जब ऑब्जेक्ट पास में रखा है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो उससे पैरेलल लाइट की रेज आती है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उस मायोपिक आई में जिसको मायोपिया है वो क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा, बिकॉज जो लाइट की रेज दूर रखे ऑब्जेक्ट से आ रही है वो रेटिना पर कन्वर्ज हो ही नहीं रही। अब देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कब देख पाएंगे, जब जो लाइट की रेज है वो रेटिना पर मीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लाइट की रेज है वो रेटिना से पहले ही मीट कर रही है जब ऑब्जेक्ट को हमने दूर रखा है ना। तो मायोपिया में यही होता है, दूर रखे ऑब्जेक्ट्स की जो लाइट की रेज आ रही है उससे वो रेटिना पर मीट होती ही नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसको करेक्ट कर सकते हैं हम कनकेव लेंस का यूज करके, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम कॉजेज के बारे में बात कर लेते हैं, क्यों होता है मायोपिया। तो इसका सबसे पहला रीजन है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, जो हमारा आई लेंस है उसका कर्वेचर ही ज्यादा है, कर्वेचर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी एंड उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, मतलब जो हमारा आई लेंस है वो पहले ही लाइट की रेज को कन्वर्ज कर देगा, उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी।
जाएगी अगर आई लेंस का कर्वेचर ज्यादा है तो। अगर देखो अब यहाँ पर आई लेंस का कर्वेचर ही ज्यादा है तो कन्वर्स तो यहाँ पर होनी चाहिए थी आई लेंस, लेकिन कन्वर्स तो यहाँ पर होनी चाहिए थी जो लाइट की रेज है, लेकिन वो पहले ही कन्वर्ज हो गई बिकॉज जो लेंस है उसका कर्वेचर ही ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम हो गई एंड पहले ही लाइट की रेज कन्वर्ज हो गई, तो इसीलिए अब दूर रखे ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं दे रहे। तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन है इलॉन्गेशन ऑफ द आई बॉल, मतलब जो आई बॉल है, मतलब हमारा जो पूरा आई बॉल का स्ट्रक्चर है यही लंबा है एंड ये एक बर्थ डिफेक्ट होता है, बाई बर्थ ही होता है। ठीक है कि आपकी मान लो आई बॉल ही लंबी है तो अब जो लाइट की रेज है वो तो रेटिना पर कन्वर्ज हो ही नहीं पाएंगी बिकॉज यहाँ पर लेंस की कोई गलती नहीं है, जो लाइट की रेज है वो सही जगह पर कन्वर्ज हो रही है, लेकिन ऑलरेडी आपकी आई बॉल ही इतनी लंबी है कि रेटिना ही पीछे शिफ्ट हो गया है ना, तो फिर ये भी दूसरा रीजन है मायोपिया का जिस वजह से दूर रखे ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते। ठीक है, अब इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं हम इसको कनकेव लेंस का यूज करके। कनकेव लेंस क्यों, बिकॉज हम जानते हैं कनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस जो कि लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो जब हम कनकेव लेंस को यहाँ पर रखेंगे तो दूर रखे ऑब्जेक्ट से जो पैरेलल लाइट की रेज आ रही है कनकेव लेंस क्या करेगा, उन्हें डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज करने पर हम जानते हैं कि अब ये जो हमारा आई का लेंस है जिसकी पहले ही कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है, अब उन डाइवर्ज लाइट की रेज को कन्वर्ज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एंड देन जो लाइट की रेज है वो रेटिना पर ही कन्वर्ज हो जाएंगी बिकॉज देखो पहले ही कन्वर्ज हो रही है, पहले हो रही है रेटिना के कन्वर्ज, हमें यहाँ पर रेटिना पे करवानी है तो थोड़ा आई लेंस को मुश्किल करने के लिए उसको हम रेटिना पर कन्वर्ज कराने के लिए हमें जो लाइट की रेज आ रही है उन्हें पहले डाइवर्ज करना होगा ताकि फिर जो हमारा आई लेंस है वो कन्वर्ज कर दे रेटिना पर, तो इसीलिए कनकेव लेंस हम रखेंगे ताकि लाइट की रेज डाइवर्ज हो जाए एंड इस तरीके से हम मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सही पावर वाले कनकेव लेंस को हम यूज़ करेंगे एंड कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना एंड थस द डिफेक्ट इज करेक्टेड। तो ऐसे मायोपिया को करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा कि जब आप अपनी क्लास में होते हो तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जब वो पीछे वाली बेंचेस पे बैठे होते हैं तो बोर्ड पर जो लिखा है वो उन्हें क्लियरली दिखाई नहीं देता, जब वो फ्रंट बेंच पर आते तब उन्हें बोर्ड पे लिखा हुआ अच्छे से क्लियरली दिखाई देता है, तो ये मायोपिया का ही एग्जांपल है। दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट या दूर जो लिखा हुआ है उसको हम क्लियरली देख नहीं पा रहे एंड जब हम पास में आते हैं तभी हमें क्लियरली दिख पाता है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मायोपिया। आपने अपनी क्लास में जरूर ऐसा देखा भी होगा। ठीक है, अब हम अगले डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं विच इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया का बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, मतलब इसमें हमें दूर रखे ऑब्जेक्ट्स तो दिखते हैं लेकिन पास रखे ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते, एग्जैक्ट अपोजिट है। ठीक है, यहां लिखा है अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। ठीक है, द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि एक हेल्दी एक नॉर्मल ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब 25 सेंटीमीटर तक हम क्लियरली एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि वो जो नियर पॉइंट विच इज 25 सेंटीमीटर वो 25 सेंटीमीटर से पीछे हो जाता है, मतलब 25 सेंटीमीटर से अब 25 सेंटीमीटर तक रखे हुए ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली नहीं देख पाओगे, मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को आप नहीं देख पा रहे, जब 25 सेंटीमीटर से दूर है मतलब दूर रखे ऑब्जेक्ट्स को ही आप देख पा रहे हो, नाउ यू आर नॉट एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बिकॉज जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से पीछे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ये होता है हाइपरमेट्रोपिया में। अब यहाँ पर आप इस डायग्राम की हेल्प से और अच्छे से समझ सकते हो। देखो नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिक आएगा जिसमें जो हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा है उसका जो नियर पॉइंट है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, जबकि एक नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट है वो यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तभी ये क्लियरली इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है। जब नियर पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया है एंड यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब दूर रखा है ऑब्जेक्ट, तभी वो इंसान उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहा है। अगर नॉर्मल नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर है अगर उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना तो फिर वो क्लियरली नहीं देख पा रहा बिकॉज जो लाइट की रेज है वो रेटिना के पीछे कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एंड हाइपरमेट्रोपिया को हम करेक्ट कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस का यूज करके। ठीक है, तो अब इसके कॉजेज क्या है, क्यों होता है हाइपरमेट्रोपिया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला कॉज है द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। पहले से ही जो हमारा आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। फोकल लेंथ ज्यादा मतलब फोकल लेंथ ज्यादा कब होती है, जब आई लेंस का कर्वेचर कम हो जाता है ना, जब आई लेंस का कर्वेचर कम हो जाता है तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है एंड हम दूर रखे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अब पहले से ही जो हमारा आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, ठीक है, उसका कर्वेचर है ही नहीं, तो अब जो लाइट की रेज है वो रेटिना पर कन्वर्ज हो ही नहीं रही है, रेटिना से पीछे जाके कन्वर्ज हो रही है ना, बिकॉज फोकल लेंथ ज्यादा कब होती है, जब हमें दूर रखे ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है, जब पास रखे ऑब्जेक्ट्स को हमें देखना होता है तो फोकल लेंथ कम होनी चाहिए ना, एंड पहले से फोकल लेंथ ज्यादा है तो क्या होगा, जो लाइट की रेज है वो रेटिना पर नहीं रेटिना के पीछे जाके कन्वर्ज होंगे एंड देन हम पास रखे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे, तो ये कॉज है। दूसरा कॉज क्या है, द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। जो आपकी आई बॉल है वो
बाय बर्थ वो स्मॉल है कि जिस वजह से जो लाइट की रेज है वो पीछे जाके कन्वर्ज हो रही है। अब लाइट की रेज तो सही पोजिशन पर जाके कन्वर्ज हो रही है, लेकिन इसमें गलती आपकी आई बॉल की है। आपका आई बॉल की जो साइज है वही इतना छोटा है कि लाइट की रेज पीछे जाके कन्वर्ज हो रही है, लेकिन आई बॉल बड़ी होनी चाहिए थी, रेटिना यहाँ पर होना चाहिए था, तभी आप ऑब्जेक्ट को देख पाते, बट आपका आई बॉल का साइज ही छोटा है जिस वजह से लाइट की रेज पीछे जाके कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, तो ये दूसरा कॉज है हाइपरमेट्रोपिया का। अब इसको करेक्ट कर सकते हैं हम कन्वेक्स लेंस का यूज करके। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये लाइट की रेज को कन्वर्ज करता है। एंड हाइपरमेट्रोपिया में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि लाइट की रेज कन्वर्ज हो ही नहीं पा रही, पीछे जाके कन्वर्ज हो रही है, तो हमें रेटिना पर कन्वर्ज करना है, मतलब और कन्वर्जिंग पावर होनी चाहिए लेंस की। तो और कन्वर्जिंग पावर हम लेंस को दे तो सकते नहीं, पहले से हम लाइट की रेज कन्वर्ज करके दे दें ताकि जो लेंस ऑलरेडी जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है वो रेटिना पर लाइट की रेज को कन्वर्ज कर पाए। तो हमें लाइट की रेज को पहले से ही कन्वर्ज करके भेजना होगा ताकि लाइट की रेज एक्चुअली में रेटिना पर कन्वर्ज हो पाए, है ना। तो इसलिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, बिकॉज कन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस। अब देखो यहां पर मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है नॉर्मल नियर पॉइंट पे। अब मान लो अगर ये कन्वेक्स लेंस नहीं होता तो फिर लाइट की रेज पीछे जाके मीट करती एंड वो नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं, लेकिन कन्वेक्स लेंस के रखने की वजह से क्या हुआ, जो लाइट की रेज आ रही है कन्वेक्स लेंस ने उन्हें कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, अब जो हमारा आई लेंस है वो भी कन्वर्ज करेगा एंड देन फाइनली जो लाइट की रेज है वो रेटिना पर जाके मीट करेंगी। अगर ये कन्वेक्स लेंस नहीं होता तो फिर लेंस जो है वो पीछे जाके लाइट की रेज को कन्वर्ज करता। ठीक है, लेकिन कन्वेक्स लेंस के होने की वजह से वो और कन्वर्ज कर दिया लाइट की रेज को पहले से ही, एंड देन हमारा जो आई का लेंस है वो रेटिना पर कन्वर्ज कर पाता है एंड हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो ऐसे हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा हाइपरमेट्रोपिया के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं प्रेसबायोपिया के बारे में। तो जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, हमारी एज बढ़ती है, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होती है हमारी आई लेंस की, जो हमारी आई की जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, जिस वजह से जो हमारा नियर पॉइंट है वो पीछे जाता जाता है एंड इसी डिफेक्ट को प्रेसबायोपिया बोलते हैं। ठीक है, पर्सन मे सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो देखो प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि वो इंसान दोनों मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों से सफर कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो उनका पास वाला चश्मा अलग होता है, दूर वाला चश्मा अलग होता है। जब उन्हें पास वाले ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है तो वो अलग चश्मा यूज करते हैं, जब उन्हें दूर रखे ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है तो वो अलग चश्मा यूज करते हैं। तो ये प्रेस बायोपिया का ही एग्जाम्पल है। जैसे जैसे हम एज बढ़ती है, हम ओल्ड होते हैं, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन जो हमारी आई का है वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब सीलियरी मसल्स फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाता हमारी आई लेंस की, जिस वजह से अब देखो अगर हमें पास रखे ऑब्जेक्ट्स देखने होते, दूर रखे ऑब्जेक्ट्स देखने होते, तो उस हिसाब से फोकल लेंथ चेंज होती है हमारी आई लेंस की एंड ये सीलियरी मसल कंट्रोल करती है। ऑलरेडी रजत ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं तो ये पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीज हो जाती है ना, मतलब जो हमारी फोकल लेंथ है वो अब ना ही बढ़ पाती है ना ही डिक्रीज हो पाती एज वी हैव टू सी द ऑब्जेक्ट्स, जिस वजह से दोनों ही मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया से वो इंसान सफर करता है। ठीक है, तो इसमें ये है आपका प्रेस बायोपिया। अब इसका रीजन क्या है? ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल, सीलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं जिस वजह से आई लेंस की फोकल लेंथ को ना ही बढ़ा पाती ना ही घटा पाती। ठीक है, एंड डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। ठीक है, करेक्शन इसमें हम बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है? बाईफोकल लेंस, मतलब जिसमें दोनों ही कनकेव कन्वेक्स दोनों लेंस हो। ठीक है, विद अप्रोप्रिएट पावर, बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। बाईफोकल लेंस का भी यूज करते हैं एंड काफी आपने देखा होगा कि अलग अलग चश्मे भी रखते हैं फॉर कनकेव लेंस एंड फॉर कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये है प्रेस बायोपिया का केस। ओके, अब अगला डिफेक्ट है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है? कैटरैक्ट को हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद, एंड ये भी आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है? इसमें समटाइम्स द क्रिस्टलीन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। देखो जो हमारा लेंस होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें से लाइट की रेज इजीली पास कर पाती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं तो ये जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है ये मिल्की होने लगता है, क्लाउडी होने लगता है। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट, इसको कैटरैक्ट बोलते हैं। दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इससे क्या होता है कि पार्शियल लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है एंड कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी होता है, मतलब कंप्लीटली हम अपनी आई साइट को भी खो सकते हैं। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी, लेकिन इस हम अपनी विजन को रिस्टोर कर सकते हैं, दोबारा ला सकते हैं, ठीक कर सकते हैं कैटरैक्ट सर्जरी के थ्रू। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो लेंस है वो ऐसे क्लाउडी हो गया है, मिल्की हो गया है, जिस वजह से जो लाइट की रेज है वो इसमें से पास नहीं कर पा रही है एंड हम क्लियरली नहीं देख पाते। ठीक है, तो ये हमने फोर्थ डिफेक्ट के बारे में बात किया, विच इज कैटरैक्ट। आई होप आपको डिफेक्ट्स ऑफ विजन पूरे अच्छे से क्लियर हो गए हैं, उनकी करेक्शंस अच्छे से क्लियर हो गई हैं एंड फ्रेंड्स इनमें सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे, हाउ यू विल करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, हाउ यू विल करेक्ट मायोपिया, डायग्राम ड्रॉ करो, व्हाट इज द
नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई, व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई. ठीक है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है ऑफ द लाइट. तो देखो, सबसे पहले हमारे जो इंसिडेंट बीम है ये आई, और ये आपका प्रिज्म है. प्रिज्म का एंगल क्या है वो भी स्पेसिफाई है, एंगल है एंगल ए व्हिच इज 60 डिग्री. सो दिस इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म. तो अब आपकी इंसिडेंट बीम आई और फिर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ. तो देखो, रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ. ऑब्वियसली ये आपका एयर था और ये क्या, दिस इज अ ग्लास प्रिज्म, तो मीडियम का चेंज हुआ यानी कि रिफ्रैक्शन होगा. तो रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट अपनी बेंड हुई, फिर वो ऐसे ट्रेवल कर रही है और फिर यहाँ पे वापस रिफ्रैक्शन हुआ. और यहाँ पे अब हम जानते हैं कि जब रेयरर से डेंसर में लाइट जाती है, रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होती है. तो ये आपकी नॉर्मल है, तो इसके टूवर्ड्स बेंड हुई है. और जब वो बाहर जाती है डेंसर से रेयरर में, तो वो नॉर्मल से अवे. देखो, आपका जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, तो ये हो गया. तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल के साथ, ये आपकी नॉर्मल है और ये आपकी इंसिडेंट बीम है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया. ये आपका, देखो, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है एंड दिस इज द नॉर्मल, एंड ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया. ये भी आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ऑब्वियसली. और ये जो आपकी लाइट रे निकली है नॉर्मल के साथ, इसका जो एंगल है दैट विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी कि जो लाइट रे है वो एमर्ज हो रही है, प्रिज्म से बाहर एमर्ज हो रही है, निकल रही है. तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये आपकी इमर्जेंट बीम है, इंसिडेंट बीम, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. और क्या रह गया, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया. सब कुछ हमने देख लिया, सारे लेबल पार्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या इनका मतलब है एंड डेविएशन. हाँ, यहाँ पे एक चीज आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ डेविएशन. ये जो ब्लू ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, की रिफ्रैक्शन की वजह से, इस प्रिज्म की वजह से लाइट में कितना, मतलब कितना उसमें, मतलब उसका जो पाथ था कितना चेंज हुआ, कितनी लाइट डेविएट हुई इस प्रिज्म की वजह से, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन. ये कैसे निकालोगे, तो देखो, आपकी जो इंसिडेंट बीम है अगर रिफ्रैक्शन ना होता है तो सीधी जाती, ये इसका पाथ होता, और ये इस इमर्जेंट बीम को अगर पीछा पे एक्सटेंड करोगे तो इसका पाथ ये होता. तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, इतनी आपकी लाइट रे डेविएट हो गई फ्रॉम इट्स पाथ बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन. क्लियर हो गया, कुछ रहा नहीं, तो आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे ये हमने डिस्कस कर ही लिया है, अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म. तो अब डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन होता है जब एक लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्रेड हो जाती है, यानी कि डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है. जैसे कि जो हमारी व्हाइट लाइट होती है, दैट स्प्लिट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, जो कि है विबग्योर. विबग्योर को कैसे, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर जी, यानी कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो ये आपके विबग्योर कितने रंग है, 7 के 7 आपके ये कलर्स हैं, इनको ऑर्डर में याद रखना. अब आप पूछोगे कि ये ऑर्डर ही क्यों है, इसका क्या रीजन है, क्योंकि ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इनको मतलब कैटेगराइज किया गया है. जैसे कि रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, सबसे कम डेविएशन इसने दिखाया है, तो देख रहे हो. और जैसे जैसे आप नीचे देख रहे हो, सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है, वॉयलेट का है, क्योंकि इसकी सबसे कम वेवलेंथ है. रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, सबसे कम डेविएशन ये अपने पाथ में दिखाता है बिकॉज ऑफ दिस ग्लास प्रिज्म. ठीक है, आप देखते हो ना बिल्डिंग्स के ऊपर रेड लाइट चमकती है, हेलीकॉप्टर्स, या उनको पता लगे भाई ये हाइट है तो हमें इससे ऊपर उड़ाना है अपने प्लेन को, ताकि कुछ भी ऐसा क्रैश लैंडिंग ना हो. तो ये क्यों होता है, ताकि ये जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, वो दूर से ही दिख जाता है कि भाई यहाँ पे रेड लाइट है तो हमें इससे ऊपर लेवल पे अपने प्लेन को उड़ाना है. तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वेवलेंथ ज्यादा होती है रेड की, धीरे धीरे नीचे जैसे जैसे जा रहे हो उतनी कम वेवलेंथ होगी कलर की, ठीक है, लाइट की. द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन. इसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं, नाम से भी क्लियर हो रहा है, डिस्पर्स हो जाती है व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स. द वेरियस कलर्स आर दिस विबग्योर, द सीक्वेंस ऑफ कलर रिमेंबर एज विबग्योर, द बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम. इसी बैंड को, मीन सातों कलर के बैंड को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं. और ये ऐसे इसी में क्यों अरेंज्ड है, क्यों ऑर्डर ऐसा है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. आगे बढ़े, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, व्हिच इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स लाइट. तो ये जो टॉपिक है ये आपकी एक्टिविटीज में भी है, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आप एक डायग्राम ड्रॉ करो जिसमें जो आपकी व्हाइट लाइट है वो पहले तो डिस्पर्स हुई अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, फिर वापस आपने उसे रिकॉम्बाइन कर दिया उस डिस्पर्स लाइट को इनटू द व्हाइट लाइट. ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है डायग्राम, इसे ध्यान से देख लो. आपको क्या लगाने, दो प्रिज्म लगाने, एक को सीधा और एक को उल्टा, और फिर जो आपकी व्हाइट लाइट आएगी वो 7 कलर्स में कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब डिस्पर्स हो जाएगी. ऊपर सबसे होगा रेड और सबसे नीचे होगा वॉयलेट, और बीच में आपके सातों के सातों कलर होंगे. और फिर ये जो दो लाइट्स हैं, जैसे ही इन्होंने ये दूसरे प्रिज्म में एंटर की तो फिर ये वापस रिकॉम्बाइन हो गई.
सातों की सातों कॉन्स्टिट्यूएंट लाइंस वापस रिकॉम्बाइन हो गई और फिर एमर्जेंट रे हमारी व्हाइट लाइट थी, ठीक है, आप देख सकते हो और ये स्क्रीन पे हमें व्हाइट लाइट ही दिखी। तो दिस प्रूव्स दैट यहाँ पे दोनों प्रिज्म की वजह से रिकॉम्बिनेशन हुआ है डिस्पर्स लाइट का। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है तो डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देख लो इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट विच इज रेनबो फॉर्मेशन। तो रेनबो क्यों बनता है, क्या रीजन होता है, सात कलर क्यों हमें दिखते हैं, वो डिस्कस करेंगे। अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर, इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। तो अभी हमने डिस्पर्शन पढ़ा, तो यही यहाँ पे जो आपकी रेनबो होता है वो रेनबो क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ द डिस्पर्शन बाय द रेन ड्रॉपलेट्स। जो आपकी रेन ड्रॉपलेट्स होती है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती है और जो व्हाइट लाइट आपके सन में से आती है, व्हाइट लाइट आई सन की और वो सातों कलर में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, क्योंकि जो आपकी रेन ड्रॉप है वो एक प्रिज्म की तरह बिहेव कर रही है। जैसे ही वो देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, आप देखो ना पाथ चेंज हुआ है। तो सबसे पहले इसको ध्यान रखना, यहां पे सबसे पहले व्हाइट लाइट आई, जैसे ही रेन ड्रॉप की सरफेस को टच किया रिफ्रैक्शन हुआ क्योंकि मीडियम में चेंज आया, और फिर रिफ्रैक्शन होकर यहां पर क्या हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, ये व्हाइट लाइट क्या रिफ्लेक्ट हुई, इसको क्या कहते हैं, इसके एक टर्म है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसे ध्यान रखना, यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऐसे आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर है वो आए और फिर यहां पे वापस रिफ्रैक्शन हुआ एंड देन आपको आपका रेनबो दिखता है, ठीक है। सो ये आप पूरे थ्योरी पढ़ लो, अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन, द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। ये इंटरनली क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई आपकी रेन्स, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्रैक्ट नहीं रिफ्लेक्ट, ठीक है, और एंड फाइनली रिफ्रैक्टेड अगेन, यहां पे फिर वापस रिफ्रैक्शन हुआ व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर आई। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। और वापस कह रहा हूँ, किसी भी टॉपिक को इन डिटेल समझना हो तो हमारा इन डिटेल जो आपका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप कह सकते हो, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होगा, नाम में ही मीनिंग है, एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है उसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। हैविंग एयर लेयर्स ऑफ वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज, और यहाँ पे जो आपके मीडियम्स हैं वो और कुछ नहीं आपकी एयर की जो लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, जितनी भी लेयर्स हैं आपकी, वही एक अलग अलग उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी है और वही जो लाइट रे है, जो सन से रेज आ रही है लाइट की, उसे रिफ्रैक्ट करवाती हैं, ठीक है। सो देखो, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इसका एक बहुत एक अच्छा एग्जांपल आप कह सकते हो, जहां पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखने को मिलती है। इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द टेंपरेचर एंड डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कीप्स वेरिंग, हेंस वी हैव डिफरेंट मीडियम। तो अलग अलग मीडियम, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो अलग अलग मीडियम्स हैं यहां पे वो लेयर्स हैं एयर्स की, क्योंकि उनकी अलग डेंसिटी होती है, अलग टेंपरेचर होता है। अब डिस्टेंट स्टार एक्ट एज पॉइंट सोर्स, अब लाइट कहां से आ रही है, लाइट सन की नहीं, आपकी जो स्टार की लाइट होती है वो जैसे ही उस एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। और रिफ्रैक्शन जैसे कि मैं आपको डायग्राम से समझाऊं, तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डायग्राम को थोड़ा वापस करेक्ट सा किया, ये आपका क्या, दिस इज द एक्चुअल स्टार पोजीशन, कि भाई स्टार एक्चुअली कहाँ पे लोकेटेड है, और यहाँ से देखो स्टार की जो लाइट आ रही है, फिर इन इन लेयर, ये जो एयर की लेयर्स हैं इनकी वजह से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, देखो बार बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, और फिर जब वो लाइट आपको एंटर करती है और आपको फिर आप जब देखते हो तो वो आपको पोजीशन कहाँ दिखती है स्टार की, वो यहाँ पे दिखती है। सो दिस इज द एक्चुअल स्टार पोजीशन, और आपको जो दिखती है दैट इज द अपेरेंट स्टार पोजीशन। तो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, हमारी स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन है वो हमें नहीं दिखती, और क्योंकि देखो कभी लाइट ज्यादा आती है रिफ्रैक्शन की वजह से, कभी कम लाइट आती है क्योंकि अलग अलग डेंसिटीज हैं, तो इसलिए हमें लगता है कभी हमारी आंखों में ज्यादा लाइट आई, कभी कम आई, तो इसलिए वो जो स्टार है वो ट्विंकल करता है। तो ये रीजन है फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हमें क्यों दिखती है, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखो वापस कंसेप्ट थ्योरी को रीड करते हैं। देखो, सो द टेम्परेचर एंड डेंसिटी हमने पढ़ लिया कि जिस वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। डिस्टेंट स्टार एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, व्हेन द स्टार लाइट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर इट अंडरगोस रिफ्रैक्शन। बिल्कुल यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, और कैसे हुआ रिफ्रैक्शन, ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। देखो ये रेयरर था स्पेस में, और जब जैसे जैसे आप ये लेयर्स हैं एयर के डेंस है एज कम्पेयर टू द स्पेस, तो फिर क्या हुआ रिफ्रैक्शन हुआ। रेयरर से डेंसर में क्या होता है, नॉर्मल की तरफ आपकी लाइट रे बेंड होती है। सो ये हुआ, इट बेंड्स टूवर्ड the normal due to this apparent position of the star is different from the actual position, और आपको क्या दिखती है star की apparent position दिखती है that is not the actual position, ठीक है, and the star appears higher than its actual position, और हमें जो star है वो उसकी actual position से ऊंचा यानी कि higher भी दिखता है, ठीक है। और twinkling क्यों होती है, क्योंकि कभी ज्यादा light आंखों में enter करती है, कभी कम, that's the reason। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं next topic, advanced sunrise and delayed sunset।
सो फ्रेंड्स, रजत ने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है प्रिज्म के थ्रू, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट फिनोमेना के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। मतलब जो सनराइज है वो 2 मिनट पहले हो जाता है एंड जो सनसेट है वो 2 मिनट डिले हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है वो हम डिस्कस करेंगे एंड ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, ठीक है। Let's discuss about it. So actual sunrise happens when the sun is below the horizon in the morning. देखो ये horizon है, ठीक है, ये horizon है and horizon के नीचे जब sun होता है ना, horizon के just below जब sun होता है तभी sunrise हो चुका होता है। क्यों? Because देखो sun से जो light की rays आ रही हैं वो refract करती हैं and हमारी eyes तक पहुंचती हैं। लेकिन अगर हम सीधा देखते हैं तो हमें लगता है कि sun already rise हो चुका है, sunrise already हो चुका है and हमें ये sun की apparent position दिखती है। मतलब sunrise कब हो जाता है? जब actually में sun horizon के नीचे होता है, जबकि वो जो हमें दिखाई देती है वो उसकी apparent position होती है, ठीक है। And the rays of the light from the sun below the horizon reach our eyes because of the refraction of light. Horizon के below जो actual में sun होता है उससे light आती है, हमारी eyes तक पहुंचती है atmospheric refraction की वजह से, लेकिन हमें लगता है कि sun already rise हो चुका है, ठीक है। Then similarly the sun can be seen about few minutes after the actual sunset. जब sunset हो चुका होता है और horizon के नीचे sun जा चुका होता है तो उसके बाद भी हमें कुछ time तक sun दिखाई देता है, तो sunset delay हो जाता है। क्यों? Because देखो जब sun नीचे पहुंच चुका है, sunset हो चुका है, लेकिन तब भी जो light है वो पहुंच रही है हमारी eyes तक atmospheric refraction की वजह से and हमें दिखता है कि sun अभी भी है, अभी तक sunset नहीं हुआ है, so sunset delay हो जाता है, ठीक है। The sun is visible as about 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset. मतलब एक्चुअल सनराइज होने से 2 मिनट पहले हमें सन दिखाई देता है एंड सनसेट होने के बाद, एक्चुअल सनसेट होने के बाद 2 मिनट तक हमें सन स्काई में दिखाई देता है एंड ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स ट्विंकल करते हैं एंड जो एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट, ये किसकी वजह से है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही है, जो रजत ने भी आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ओके। तो ये नेचुरल फिनोमेनाज है, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं लेकिन कभी हम सोचते नहीं इनके बारे में, इतना क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन अभी जो हम ये साइंस पढ़ रहे हैं इससे में पूरा क्लियर होता जा रहा है, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि हम इसके पीछे की साइंस जान पा रहे हैं, ओके। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब नेक्स्ट फिनोमेना के बारे में बात करते हैं, विच इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? ये एक फिनोमेना है जिससे एक बीम ऑफ लाइट रीडायरेक्ट हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में जब वो एक पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करती है एंड वो पार्टिकल मीडियम में प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बीम ऑफ लाइट है वो एयर में ट्रेवल कर रही है, अब एयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि सस्पेंडेड होते हैं, जब उन पार्टिकल से लाइट हिट करती है तो वो जो लाइट है वो अलग अलग डायरेक्शन में रीडायरेक्ट हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, इसी को बोला जाता है स्कैटर ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं जो हम अपने रियल लाइफ में देखते हैं, जैसे कि टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है? ये डील्स विद द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोडियल पार्टिकल्स। कोलोडियल पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जब इनसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जब इनसे लाइट स्कैटर होती है, दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब एक फाइन बीम ऑफ सनलाइट रूम में एंटर करती है तो जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं रूम में वो विजिबल होते हैं ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय दीज पार्टिकल्स। जैसे मान लो काफी अंधेरा है उसका, मान लो आप एक रूम में गए उसमें काफी अंधेरा है एंड एक विंडो है, उस विंडो को आप ओपन करोगे एंड जब उसमें से लाइट आएगी ना, मान लो उस साइड सन है एंड सन की लाइट उस विंडो से एंटर हो रही है, तो जो लाइट की बीम एंटर हो रही है ना उसके पाथ में हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे सस्पेंडेड दिखेंगे। क्यों? बिकॉज वो जो लाइट है वो स्कैटर हो गई है, ठीक है, वो लाइट स्कैटर हो गई है पार्टिकल्स पे हिट करने की वजह से, स्कैटर हुई है लाइट, है ना, जिस वजह से हमें वो पार्टिकल सस्पेंडेड हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? This is the scattering of light. ऐसे ही दूसरा example है इसका, when sunlight passes through a canopy of a dense forest, the tiny water droplets in the mist scatter light. जब एक घना जंगल होता है and उस लंबे लंबे पेड़ होते हैं तो जब उनमें से sunlight pass होती है, light enter होती है, तो जो mist present होती है, मतलब छोटे छोटे जो water droplets air में suspended होते हैं, वो light को scatter कर देते हैं and हमें फिर वो fog के particles, वो छोटे छोटे particles दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो ये भी scattering of light ही है। The color of the scattered light depends on the size of the scattering particle. अब देखो जो पार्टिकल है उसके, अगर उसका साइज छोटा है तो वो कम वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करेगा, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो वो बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करेगा, ठीक है। इसके बारे में हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में, वो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको समझना होगा कि जो जिस कलर की लाइट स्कैटर हो रही है ना वो डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज पर, ठीक है। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कम वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करते हैं, जैसे कि ब्लू लाइट, ठीक है। जो ब्लू लाइट होती है विबग्योर में, जो वॉयलेट इंडिगो ब्लू, ये जो लाइट्स हैं ना, इनका
इनकी वेवलेंथ काफी कम होती है, तो छोटे पार्टिकल्स इन लाइट को स्कैटर करते हैं, एंड जबकि जो पार्टिकल्स बड़े होते हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है, जैसे कि रेड. एंड वेवलेंथ क्या होती है, बेसिकली देखो लाइट वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो दो वेव्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली द वेवलेंथ, ठीक है. सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड कलर की लाइट की, एंड सबसे कम वेवलेंथ है वॉयलेट की, ठीक है. विबग्योर में आप देख सकते हैं, इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर लाइट मे इवन अपियर वाइट, ठीक है. एंड अगर मान लो जो पार्टिकल है उसका साइज लार्ज इनफ है, मतलब बड़ा है, तो जो स्कैटर लाइट है वो वाइट होगी, ठीक है, नॉट द कॉम्पोनेंट्स कलर, लेकिन वाइट ही वो लाइट है जो स्कैटर हो जाएगी, ठीक है. अब देखो यहाँ पर ये डायग्राम की हेल्प से, पिक्चर की हेल्प से आप समझ भी सकते हो. देखो ये विंडो की विंडो में से जो लाइट पास हो रही है, तो इसके पाथ में हमें ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं. दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. जब एक घने जंगल में से लाइट पास होती है तो हमें ये जो टाइनी वाटर पार्टिकल्स हैं वो दिखाई देते हैं, तो ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है, ठीक है, आपने देखा भी होगा. अब बात करते हैं व्हाई इज दिस कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू. जो क्लियर स्काई होता है, जो साफ आसमान होता है, जब बादल नहीं होते हैं, तो वो ब्लू कलर का क्यों होता है? व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू? तो इसका आंसर क्या है, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमेना पर ही बेस्ड है. इसका आंसर देखते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमोसफेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. देखो जो एयर में जो पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, जो और दूसरे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज काफ़ी स्मॉल होता है, ठीक है, जिस वजह से वो कम वेवलेंथ वाली लाइट को ज़्यादा अच्छे से स्कैटर कर पाते हैं. जैसे कि जो ब्लू कलर की लाइट है विबग्योर में, वॉयलेट इंडिगो ब्लू, इन लाइट्स की वेवलेंथ कम है, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर में हमारे एटमोसफेयर में, ये इन कम वेवलेंथ वाली लाइट को अच्छे से ईजिली स्कैटर कर पाते हैं, ठीक है, rather than the light of longer wavelengths at the red end. When sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color. ठीक है, shorter wavelength की वजह से more strongly than red, because red की wavelength सबसे ज़्यादा होती है, and छोटे particles कम wavelength वाली light को ही scatter कर पाते हैं. The scattered blue light enters our eye. अब देखो जो light scatter हो रही है वही हमें दिखेगी, तो blue color की light scatter हो रही है तो हमें फिर blue color की light दिखती है, and हमें sky का color blue ही नज़र आता है, ठीक है. If Earth had no atmosphere, there would not have been any scattering. Then the sky would have looked dark. अगर हमारी अर्थ के चारों तरफ कोई एटमोसफियर नहीं होगा, तो देखो हमारी एटमोसफियर में ही पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जिस वजह से स्कैटरिंग होती है लाइट की. अगर एटमोसफियर नहीं होगा तो स्कैटरिंग नहीं होगी. स्कैटरिंग नहीं होगी तो हमें स्काई का कलर ब्लू नहीं दिखेगा, डार्क होगा. ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. ओके, यहाँ पर इस पिक्चर से भी आप समझ सकते हैं ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है. अब सन से जो वाइट लाइट आ रही है उसमें तो सारे 7 कंपोनेंट कलर्स हैं, लेकिन जिस लाइट की वेवलेंथ कम है वही स्कैटर हो जाती है जब वो पार्टिकल्स से हिट करती है, ठीक है. एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जब वो हिट करती है तो ब्लू लाइट स्कैटर्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, एंड ये ब्लू लाइट ही हमें दिखाई देती है हमारे स्काई में, ठीक है. व्हाइट कलर की लाइट आती है उसमें सारे कंपोनेंट कलर्स होते हैं, लेकिन वो लाइट स्कैटर होती है जिसकी वेवलेंथ छोटी है, ठीक है. सो ये आपका लास्ट टॉपिक था, व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू. तो फ्रेंड्स आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे, डायरेक्ट ये फिनोमिना के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाई डू द स्टार्स ट्विंकल, ठीक है, व्हाट इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, या व्हाई द सनराइज हैपेंस 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज, ठीक है. तो वो ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे, या डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, ठीक है. तो आपको उसके लिए पूरा फिनोमिना पता होना चाहिए, एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है. सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ आर चैप्टर. आई होप आपने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया है. वी होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.